इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी करके फंसे कमलनाथ ने अपने बयान पर जताया खेद, कहा मैंने किसी का अपमान नहीं किया, अगर किसी को बुरा लगा हो तो खेद है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा यह साधारण उपचुनाव नहीं है, राज्य के भविष्य का चुनाव है, बीजेपी बांट रही लोगों का ध्यान। इमरती देवी के खिलाफ टिप्पणी पर बैतूल में विरोध प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कमलनाथ की फोटो पर पोती कालिख मौन धरना दिया। कमलनाथ के बयान पर चुनाव हुआ आयोग सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग आज देगा रिपोर्ट, इसी के आधार पर होगा कार्रवाई का फैसला। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, कहा झूठ को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश करते हैं आप। शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया को लिखा है शिकायती पत्र। और एक बड़ी खबर फिजी से आ रही है, जहां पर चीनी डिप्लोमेट की गुंडागर्दी सामने आई है। ताइवान के राजनयिक को चीनी राजनयिक ने पीट दिया। फिजी में एक कार्यक्रम के दौरान ही ये मारपीट हुई है, मारपीट पे ताइवान के डिप्लोमेट घायल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीनी राजनयिक ने अपनी और अपने मुल्क दोनों की फितरत दिखाई ऐसा कर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।